जय हिंद दोस्तों, मेरे पास है नरेंद्र मोदी जी के एकदम लेटेस्ट 2019 की योजना, एक परिवार एक नौकरी। जी हाँ, इस योजना के अंतर्गत जिस परिवार में कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी नहीं करता है, उस परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी और जिसकी सैलरी होगी 30,000 रुपये पर मंथ। जी हाँ, ना ही कोई एग्ज़ाम ना कोई इंटरव्यू, सीधी भर्ती है ये। इसके लिए आपको चाहिए होगा क्या, बस एक आधार कार्ड और 10th पास का एक सर्टिफिकेट। और इसके अतिरिक्त आपको क्या चाहिए, आपकी उम्र होनी चाहिए 18 से 55 साल के बीच। और इस योजना का लाभ वो लोग नहीं उठा सकते हैं जिनके पास पक्का मकान है। और इसमें महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, मतलब महिलाओं को पहले इस योजना का लाभ मिलेगा, पुरुषों को उसके बाद दिया जाएगा। इसके अलावा जिस परिवार की वार्षिक आय 3 लाख से ज़्यादा ना हो, उसको EWS श्रेणी में केवल उन्हीं परिवारों को रखा जाएगा, और LIG श्रेणी में परिवार रखा जाएगा जिनका 3 से 6 लाख के बीच है। इसके लिए आपको चाहिए क्या है, 10th का सर्टिफिकेट। ज्वाइनिंग के समय आपको आय प्रमाण पत्र दिखाना होगा अपना स्वयं का। इसके अलावा आधार कार्ड और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो।